हाँ जी, मेरा नाम सुचेता सिन्हा है और मैं द्वारका सेक्टर 11 में रहती हूँ और मैं द्वारका फोरम में भी हूँ, काम करती हूँ मैं उसमें। लोगों पब्लिक की द्वारका के डेवलपमेंट के लिए हमारा काम होता है। तो आज जैसे आप देख रहे हैं कि मेन रोड के पास ये सर्विस लेन जो जा रही है, इसमें एक बहुत बड़ा सा गड्ढा देखा मैंने। एक्चुअली दो तीन दिनों से मैं देख रही थी पर मेरा ध्यान बहुत नहीं गया, आज सुबह मैंने बहुत अच्छे से इसको देखा है। तो ये काफ़ी गहरा गड्ढा है और इतना बड़ा है कि इसमें एक बड़ी गाड़ी भी जा सकती है, ये स्थिति है। और एक यही नहीं है, आगे भी देखोगे तो दो तीन जगहों पर ऐसा भयावह स्थिति है जिससे किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनको किस बात का इंतजार रहता है कि हम ये पब्लिक रेसिडेंट उनको खबर दे तब वो कोई एक्शन ले, कोई दुर्घटना घट जाए तब वो एक्शन ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें खुद इंस्पेक्शन करना चाहिए कि सड़कों का कि कहाँ पर कैसी स्थिति है और उसके अनुसार वो अपना सही करवाए, उसको मरम्मत करवाए सड़कों की। मैं इसके बारे में ये कह रहा हूँ कि अगर ये रात के टाइम कोई भी हैपनिंग हो जाए अगर, तो इसमें ऐसा है कि इतनी गहराई है कि आदमी जो है ऐसा एक्सीडेंट हो कि लाश अंदर चली जाए, इसके ऐसी सिचुएशन है और कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये द्वारका में ऐसा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कहते द्वारका बहुत हाई फाई सिटी है। ये द्वारका हाई फाई सिटी है, लेकिन ऐसा है, मैं जो ये सिचुएशन देख रहा हूँ ये मेरे को नहीं लगता ये द्वारका हाई फाई है। क्या कहना चाहिए? ये हम लोगों ने देखा, ये गड्ढा इतना टूट गया है कि इसमें कुछ कोई भी हादसा हो सकता है, कोई गलती हो सकती है, आदमी का ये डैमेज हो सकता है। इसको जल्द से जल्द इसको सुधार करें, इसको रिपेयर करें, बनवाएं। और ये नहीं होगा तो रात में कोई भी आदमी, कोई भी आगंतुक इसमें गिर सकता है, उसकी नुकसान हो सकता है, जान माल के नुकसान हो सकता है। तो इससे बचाव के लिए जल्द से जल्द इसका